वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पांच ककार और उनके महत्व के बारे में। दसवें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 ईस्वी की विसाखी वाले दिन खालसा पंथ की साजना करके जुल्म के विरुद्ध लड़ने के लिए सिख कौम को एक नया रूप दिया और पांच ककार धारण करने की हिदायत की। यह पांच ककार हैं केस, कंघा, कड़ा, किशहरा और कृपाण। और आइए अब हम जानते हैं पांच ककारों और उनके महत्व के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कृपाण की। कृपाण जुल्म से टाकरा करने के लिए और मजलूमों की रक्षा करने के लिए धारण करवाई गई। यह स्वयंमान, निडरता, आजादी और शक्ति का प्रतीक है। कृपाण का अर्थ है कृपा प्लस आन, अर्थात मेहर और इज्जत भाव कृपा करने वाली। दूसरा ककार है केस। यह कुदरत की हर दांत की रक्षा के लिए और वातावरण को बचाने का सिंबल है। इसके साथ ही केस सर को और दिमाग को मारु तंत्रों से सुरक्षित रखने का भी काम करते हैं। अगला ककार है किशहरा। यह मनुखी कामनाओं, लालसाओं और काम जैसे विकारों को सहजता और संजद में रखने का प्रतीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे कंघे के बारे में। केसों को साफ करने के लिए लकड़ी का कंघा इस्तेमाल करने की हिदायत है। यह तन और मन को स्वच्छ रखने का प्रतीक है। अमृतधारी सिख को आत्मिक तौर पे और शारीरिक तौर पे स्वच्छ रखने के लिए और मजबूत रहने के लिए कंघा मददगार बनता है। और अंत में हम बात करेंगे कड़े की। कड़ा शब्द का अर्थ है मजबूत। इसको गुरु द्वारा दी गई प्रेम निशानी भी माना जाता है। कड़े के अर्थ जंग के मैदान में वैरी के वार को रोकने के लिए भी किए जाते हैं। आज हमने इस वीडियो में बात की है पांच ककारों और उनके महत्व के बारे में। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।